Hi everyone, so in today's video the topic which we will be discussing is regarding business risk and nature of business risk. In the previous video I have told you ki hamare objectives kya hote hain business ke, and in this video we will be discussing about all the business risk in market or internal ones. So let's go ahead with that. So as you can see in the screen itself, I have mentioned a paragraph from your book only, which is your NCERT book, and this paragraph is describing all the features that what is business risk is all about, what sort of risk are there. Okay, so let's discuss this line wise. The term business risk refers to the possibility of inadequate profit or even losses to uncertainties or unexpected events. रिस्क मतलब क्या होता है, हम कोई भी काम करें और मान लो हम आज कहीं घूमने जा रहे हैं और कहीं पे भूकंप आ गया, तो वो तो अब रिस्क ही हुआ ना, क्योंकि हमें तो नहीं पता था कुछ वो इवेंट होने वाला है, वो इवेंट एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था. तो बिजनेस में भी क्या होता है, आगे क्या होने वाला है बिजनेसमैन को नहीं पता होता है, बट बिजनेसमैन यूज टू हैव अ बिजनेस इवन इफ नॉट नोइंग द फ्यूचर इवेंट्स. He is on an unexpected event risk. मतलब कि ऐसे इवेंट जो हो सकते हैं उसको पता भी ना हो, लेकिन फिर भी वो बिजनेस कर रहा है, वो बंद तो नहीं कर दे रहा ना. The term business risk refers to the possibility of inadequate profit. Inadequate profit मतलब कि जितना profit उसने सोचा उससे कम मिलना, या फिर जितना उसने सोचा उससे ज़्यादा भी मिल सकता है. तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो मार्केट में कितनी डिमांड है हमारे गुड्स की उस पर डिपेंड करता है. हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि इतना चीज़ हमारी बिकेगी. मान लो मैंने शॉप खोली और मैंने सोचा कि इतना एक बार में मेरा बिक जाएगा, लेकिन उतना नहीं बिका. हो सकता है उससे ज़्यादा बिक जाए, हो सकता है उससे कम बिके. ठीक है, तो इनएडिकेट प्रॉफिट होते हैं और हो सकता है कि हमको लॉस भी हो जाए. ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट. अनसर्टेनिटीज मतलब क्या होता है, किसी इसकी निश्चितता नहीं होती है बिजनेस में कि ये तो होना ही है. जैसे कि आप लोग के स्कूल में होता है कि संडे को बंद रहेगा और बाकी दिन खुलेगा और इतने दिन तक हम लोगों को फीस पे करनी ही करनी है, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है. ठीक है ना, अगर हम किसी को उधार पे सामान दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो उधार कल भी पे कर दे और हो सकता है कि वो तीन चार दिन बाद पे करे. तो निश्चितता किसी चीज़ की नहीं है. हम कोई गुड़ बना रहे हैं, अगर मान लो हमने कुछ भी प्लास्टिक का बनाया और या फिर मान लो हमने कोई नया बिस्किट बनाया, अब मार्केट में उसकी डिमांड कितनी होती है, लोगों को वो बिस्किट कितना पसंद आता है, उसकी निश्चितता उसकी सर्टेनिटी हम लोग नहीं बता सकते, वो अनसर्टेन है. ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट. अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब कोई ऐसी घटना घट जाना जिसका एक्सपेक्टेशन बिजनेसमैन ने किया ही ना हो. ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस आ गया. ठीक है, अब जितने भी बिजनेसमैन ने नया नया प्रोडक्ट बनाए होंगे, जितने भी नया फ़ोन, जितने भी नए लैपटॉप्स वगैरह बनाए होंगे, जो भी नई चीज़ बनाई होगी, या फिर मान लो उनका जितना भी स्टॉक होगा मार्च के महीने में, बेसिकली जो पुराना स्टॉक होता है उसको अप्रैल के महीने में मार्च का निकाल दिया जाता है. लेकिन अगर कोरोना वायरस आ गया तो कोई भी शॉप्स नहीं खुली, कुछ भी नहीं खुला, तो क्या वो चीज़ें बिक पाई होंगी? नहीं. तो ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, ये ही रिस्क कहलाता है कि क्या होने वाला है हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी हम बिजनेस तो चलाएंगे ना. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंजेस इन टेस्टेज एंड प्रेफरेंसेस. मान लो आज हम जो है ओरियो बिस्किट पसंद कर रहे हैं और ओरियो बिस्किट वालों ने खूब सारी अपनी अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट मार्केट में उतार दी, लेकिन उनके साथ एक और कॉम्पिटिटर आया और उसने हमको डिफरेंट तरीके के डिफरेंट वैरायटी ऑफर करी और हमें वो वैरायटी ज़्यादा पसंद आ गई, तो क्या फिर हम ओरियो बिस्किट खाएंगे? क्योंकि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत जल्दी चेंज होते हैं. तो बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि अगर उसका प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आया तो वो मार्केट में नहीं बिकेगा, क्योंकि लोगों के टेस्ट और लोगों के प्रेफरेंसेस, लोग क्या चाहते हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है. और अगर उसको जानने में ज़रा सी भी चूक हुई, या फिर मान लो जान भी लिया लेकिन कॉम्पिटिटर ने कुछ ऐसा लॉन्च कर दिया, या फिर कुछ नई चीज़ आ गई मार्केट में और हमारी चीज़ पुरानी हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई, तो फिर हमारी डिमांड उतनी जनरेट नहीं हो पाएगी और हमारा प्रोडक्ट बिक ही नहीं पाएगा. और ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स. इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन मतलब मान लो हम कोई चीज़ 10 रुपये में बेच रहे हैं और हमारे कॉम्पिटिटर ने सेम चीज़ 5 रुपये में बेचना स्टार्ट कर दी. मान लो दो ठेले मार्केट में और दोनों ही आपको एप्पल्स बेच रहे हैं. ठीक है, एक आपका एप्पल बेच रहा है 50 रुपये के जी में, ठीक है, और एक आपका एप्पल बेच रहा है 30 रुपये के जी में, तो आप कहाँ जाओगे? ऑब्वियसली आप 30 रुपये वाले में जाओगे, सेम क्वालिटी है,
लेकिन जो दूसरे वाले क्वालिटी हो सकता है थोड़ी सी ख़राब हो, बट हमें क्या लग रहा है कि वो 30 रुपये में बेच रहा है, तुम 50 रुपये में बेच रहे हो, भाई तुम्हारे क्या सोने लगे हैं, तो हम किसको खरीदेंगे? 30 रुपये वाले को खरीदेंगे। तो मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर जो हमको प्रतियोगिता मतलब कि कॉम्पिटिशन देते हैं उससे भी हमको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो गलाघाट प्रतियोगिता चलती रहती है, ऐसे आप कहते हो कि यार इस दुकान से खरीद लेंगे, दुकान से सेम चीज़ है, नहीं सेम चीज़ नहीं, उनके लिए नहीं है, क्योंकि आप अगर उससे खरीदोगे तो उसका लॉस होगा, उससे खरीदोगे तो उसका लॉस होगा, तो उनके बीच में तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है ना। तो इसीलिए कोई भी चीज़, कोई भी कंपनी हो या फिर छोटे से छोटा दुकानदार हो, उसको अपने कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रखना होता है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, ठीक है। अब मान लो आज हमने कोई चीज़ 10 रुपये में बेचना स्टार्ट करी और हमारे कंप्यूटर बगैर दुकानदार को पास लिया कि 10 रुपये में बेच रहा है और उसने वही चीज़ 5 रुपये में बेचना स्टार्ट कर दी तुरंत ही, तो हमको तो नहीं पता था ना कि वो ऐसा करेगा, वो तो अनएक्सपेक्टेडली उसने किया, अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट कम बिकने लगा उसका बिक गया। अब अगर हम कम दाम उस समय कर भी देंगे तो लोगों के लिए तो बढ़िया है, लेकिन मान लो फिर उसने हमने पास किया तो उसने 2 रुपये कर दिया, ऐसा होता है ना, तो नुकसान किसका हो रहा है? हमारा ही हो रहा है, हमें ही रिस्क पे रहना पड़ता है। इसीलिए आप देखते हो कि अगर आप सब्जी मंडी में जाओ सारे सब्जी वाले एक ही रेट पे सब्जी बेच रहे होते अधिकतर, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड कर लिया होता इस रेट पे बेचेंगे, इससे नीचे नहीं जाना है, क्योंकि अगर एक बंदा गया दूसरा जाएगा, नीचे जाते जाते कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक टाइम पर 1 रुपये का बिकेगा, कम से कम दामों में बिकेगा, और नुकसान किसका होगा? बिजनेसमैन को, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट है लोअर डिमांड रिजल्ट इन लॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट्स इन अनदर सिचुएशन। लोअर डिमांडिंग लॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट्स मतलब कि अगर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो जो प्रोडक्ट आपका 5 दिन में बिकता था अब वो प्रोडक्ट 10 दिन में बिकेगा, ठीक है। मान लो आज हम कोई कुर्ती बना रहे हैं, ठीक है, हमारी कुर्तियों की डिमांड मार्केट में ये थी कि हर दिन हमारा 10 पीसेस बिक जाते थे, 10 कुर्तियाँ बिक जाती थी एक शॉप के थ्रू, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे कॉम्पिटिटर ने कोई अच्छी या फिर जो वो एक नया ट्रेंड आया और लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, अब लोगों को हमारी कुर्ती का स्टाइल नहीं पसंद, उनको दूसरे तरीके की कुर्ती चाहिए, लेकिन हम तो वही पुरानी बना रहे हैं, हमने अभी चेंज नहीं किया, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा डिमांड था वो कम हो गया। अब जो हमारी 10 कुर्ती एक दिन बिकती थी अब वो कितनी बिकने लगी हैं? 5 कुर्तियाँ बिकने लगी हैं। तो अब वो 5 कुर्तियाँ बिक रही हैं तो 5 कम बिक रही हैं हर दिन, तो अब जो हमारा सेल्स टारगेट है कि हमको इतनी कुर्तियाँ इतने दिन में बेचनी है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने तो सेल्स टारगेट 10 कुर्तियों को करके करा था, अब वो हमारी 5 कुर्तियाँ पर डे बिक रही हैं, तो हमारी लॉन्ग सेल्स हो जाएगी और प्रॉफिट भी हमको बहुत देर में मिलेगा, ठीक है। तो लो डिमांड किस में रिजल्ट करती है? लॉन्ग सेल्स एंड लॉन्ग प्रॉफिट में। इन अनदर सिचुएशन द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इन द मार्केट में शूट अप इट्स प्राइस। मान लो जिस रॉ मटेरियल से हम कुर्ती बनाते थे वो रॉ मटेरियल मार्केट में कम आ रहा है इस समय ड्यू टू सम प्रॉब्लम, जो जिससे हम रॉ मटेरियल लेते थे, अगर मान लो हम लेनिन की कुर्ती बना रहे थे, लेनिन हमको इस समय रॉ मटेरियल की कमी है लेनिन की मार्केट में, हमको प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है, या फिर मान लो उसके प्राइस पहले वो हमको 10 रुपये पर मीटर मिलता था अब वो हमको 50 रुपये पर मीटर मिल रहा है, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। अब क्या होगा, अगर रॉ मटेरियल की कमी है तो हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और हमारी डिमांड उतनी ज़्यादा है, हम डिमांड को मीटअप नहीं कर पाएंगे, लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे, नुकसान किसका हो रहा है? हमारा। तो ये भी रिस्क होता है कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो रहा है कि नहीं। अब अगर मान लो अभी जितनी भी कंपनीज दवाइयाँ बना रही हैं, ठीक है, उनको रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से तो मिल रहा होगा ना, चाइना से मिल रहा होगा, थोड़ा परसेंट 70% चाइना से आता है हमारे दवाइयों को रॉ मटेरियल, बाकी इंडिया से और अलग अलग कंट्रीज से आता है। अब इस समय रॉ मटेरियल प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा होगा, ऑब्वियसली उतने अच्छे से नहीं मिल पा रहा होगा जितना हमारा नॉर्मल डेज पे मिलता था, तो क्या होगा, जो दवाइयाँ पहले से स्टॉक में उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये बिजनेस का रिस्क था क्योंकि बिजनेसमैन को नहीं पता था कि क्या सर्ट का क्या इवेंट आने वाला है शॉर्टेज। अगर उनको पता होगा शॉर्टेज होने वाली रॉ मटेरियल की तो ऑब्वियसली वो लोग रॉ मटेरियल पहले से इकट्ठा करके रखेंगे, है ना। इसके बाद है द फर्म यूजिंग दीज रॉ मटेरियल विल हैव टू पे मोर फॉर बाइंग दैम। अगर शॉर्टेज होगी रॉ मटेरियल, कम रॉ मटेरियल होगा तो उन्हें जो चीज़ वो 10 रुपये में खरीदते थे अब उन्हें वो 50 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज, मैंने बताया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, इन टर्न मे रिड्यूस प्रॉफिट, जिससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब मान लो हमारा कंप्यूटर वही चीज़ बना रहा है, हम वही चीज़ बना रहे हैं, तो हम
मार्केट में अपने प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमने ज़्यादा प्राइस बढ़ाया तो कस्टमर हमसे हमको छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। तो ना हम प्राइस बढ़ा सकते हैं और हमको रॉ मटेरियल तो महंगा मिल ही रहा है, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो बीच का प्रॉफिट है कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्शन को जो हम लोग सेल्स प्राइस से माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस को सेल्स प्राइस से जो हमारा प्रॉफिट निकल रहा होगा अब वो कम निकल लेगा, क्योंकि हमारा सेल्स प्राइस तो उतना ही है लेकिन कॉस्ट प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद आता है बिजनेस एंटरप्राइज कॉन्स्टेंटली फेस टू टाइप ऑफ रिस्क। बिजनेस एंटरप्राइज जितनी बिजनेस कंपनी हो चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, इन सभी को दो तरीके के रिस्क लगातार झेलने पड़ते हैं। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। पहला होता है स्पेकुलेटिव एंड प्योर। स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। स्पेकुलेटिव मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो होने वाली है हमको पता ना, तो हो सकता है हमको बहुत ज़्यादा गेन हो जाए, हो सकता है हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। सब किस पे डिपेंड करेगा, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितनी कम डिमांड उतना कम प्रोडक्ट बिकेगा उतना ही ज़्यादा हमको लॉस होगा। वी वर ऑन स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशन इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई। मैंने पहले बताया है कि अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो भी आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप डिमांड को पूरा नहीं कर पाओगे, और अगर आपकी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा तो आपको लॉस होना ही है। ठीक है, तो सब डिमांड मतलब कि मार्केट में आपके चीज़ को लोग कितना पसंद कर रहे हैं और कितनी जनरेट हो रहा है कि हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए। अगर मान लो हम कोई भी ये मान लो ये चीज़ हम बेच रहे हैं, ठीक है इट्स अ स्मॉल क्लचर, अगर हम इसको मार्केट में बेच रहे हैं और इसकी आज 10 पीसेस की डिमांड है, कल इसकी 20 पीसेस की हो गई, तो हम बना तो 10 ही पीस रहे हैं ना, तो हमें कितने पीस बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, 20 पीस बनाने के लिए, क्योंकि 20 पर वीक बिकने लगी। ठीक है, अब मान लो इसकी डिमांड 10 थी और कंप्यूटर में दूसरे मार्केट वाले आए और उन लोगों ने क्या किया, हमें सस्ता बेचने लगे और उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई और हमारे केवल 5 ही बिक रहे हैं, और हमने मार्केट में कितने उड़ाए कितने ज़्यादा मार्केट में उतार दिए हैं 10 पीसेस, तो अब क्या होगा, हमें लॉस होगा क्योंकि हमने सप्लाई ज़्यादा कर दी और हमारी डिमांड उतनी नहीं है। चेंजेस इन प्राइजेस और चेंजेस इन फैशन। चेंजेस इन प्राइस मतलब कंप्यूटर हमसे ज़्यादा सस्ते में बेचने लगा तो लोग कंप्यूटर का खरीदेंगे, कॉम्पिटिटर का खरीदेंगे। चेंजेस इन फैशन टेस्ट एंड कस्टमर्स। फैशन मतलब आज मान लो जैसे कि ऑफ शोल्डर्स बड़ा चल रहे हैं और फिर हमने ऑफ शोल्डर पहनना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने ऑफ शोल्डर पहनना छोड़ दिया, तो भी नुकसान किसको होगा, हमको ही होना है। टेस्ट ऑफ कस्टमर, कस्टमर के टेस्ट चेंज होते रहते हैं। क्या आप एक ही बिस्किट या फिर एक ही कपड़ा एक ही तरह का कपड़ा हर दिन पहन सकते हो, नहीं, आपको चेंज चाहिए, तो आपके प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, आपका टेस्ट चेंज होता है एज टाइम पासिस बाय। ठीक है, इसके बाद है फेवरेबल मार्केट कंडीशंस आर लाइकली टू रिजल्ट इन गेन वेयर एज अनफेवरेबल वंस मे रिजल्ट इन लॉसेस। प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। जैसे कि अभी हमने स्पेकुलेटिव रिस्क पढ़ा, उसमें क्या था, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, गेन और लॉस दोनों की पर्सपेक्टिव थे। आपका जो प्योर रिस्क होता है, प्योर रिस्क मतलब पूरे तरीके का रिस्क जो हम लेते हैं, उसमें क्या होता है, या तो आपका लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट तो प्रॉफिट तो आपका बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अगर आपकी फेवरेबल मार्केट कंडीशन होगी, फेवर मतलब ऐसी मार्केट कंडीशन जिसमें आपको हेल्प हो सके, रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, कस्टमर्स आपकी डिमांड आपकी उतनी हो, ऐसे कोई अगर कंडीशंस होंगी तो आपका गेन होगा मार्केट में, आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो आपको मार्केट में गेन नहीं होगा, नुकसान होगा। ठीक है, द चांस ऑफ फायर थेफ्ट और स्ट्राइक आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर रिस्क। प्योर रिस्क के एग्जाम्पल्स क्या हैं, अगर आपके गुडाइन जहाँ पर आप गुड़ सकते हो वहाँ पर आग लग गई, तो या तो आपको लॉस, अगर आपके गुड्स इंश्योर्ड हैं तो आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। मान लो आपने सारे गुड्स इंश्योर्ड कर रखे हैं, जितने भी थे, जितने भी आपने मटेरियल वहाँ पे रखा हुआ था आपके वेयर हाउस में, आपके स्टॉक में, गोडाउन में, अगर सारा मटेरियल आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड करा रखा है तो आपको 1% लॉस नहीं होगा। अगर आपने आधा करा रखा है तो जितने आपके इंश्योर्ड नहीं है उतने में आपको लॉस होगा। अगर आपने मान लीजिए बिल्कुल भी नहीं करा रखा है तो पूरे तरीके से आपको लॉस होगा। तो ये क्या है, प्योर रिस्क के आपके एग्जाम्पल्स हैं। देयर अकरेंस में रिजल्ट इन लॉस।
where non-occurrence may explain absence of loss or instead of gains. अगर ऐसी चीज़ें हो गई तो आपको लॉस होने ही होना है. अगर ऐसी चीज़ नहीं हुई तो लॉस तो नहीं होगा लेकिन गेन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका स्टॉक गोडाउन में रखा हुआ है, मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो आपको ना लॉस होगा ना गेन होगा, लेकिन अगर आग लग जाए तो लॉस होगा. ठीक है, तो यही इस पैराग्राफ में समझाया गया था. दिस वॉज ऑल अबाउट कि किस तरीके से हमारा जो है बिजनेस रिस्क होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं, स्पेक्यूलेटिव होता है और प्योर रिस्क होता है. स्पेक्यूलेटिव रिस्क में आपको गेन और लॉस दोनों के चांसेस होते हैं, जबकि और स्पेक्यूलेटिव रिस्क होते क्या क्या हैं, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाना, चेंज इन प्राइस, डिमांड इन सप्लाई में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उनकी वजह से स्पेक्यूलेटिव रिस्क होते हैं. प्योर रिस्क आपका चोरी जाना माल गोडाउन से, गोडाउन में आग लग जाना, ये सब आते हैं प्योर रिस्क में. प्योर रिस्क मतलब लॉस और नो लॉस. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द अबव पैराग्राफ. नाउ वी विल रेड अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे ये नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है. नाउ कम अप टू द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. एज यू कैन सी इन द स्क्रीन इटसेल्फ, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर पिक्यूलियर करेक्टरिस्टिक. पिक्यूलियर मतलब इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक. तो हम लोग क्या होता है नेचर बिजनेस रिस्क का, जैसे कि अगर मान लो अगर हम कह रहे हैं आपका नेचर क्या है, तो आपके बारे में सब जानेंगे, आप किस तरीके से बिहेव करते हो, आपकी फेवरेट चीज़ें क्या हैं, आपका अलग अलग सिचुएशंस पे क्या रिस्पॉन्ड होता है, वो आपका नेचर बताएगा. तो वैसे ही बिजनेस रिस्क का क्या नेचर होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पिक्यूलर करेक्टरिस्टिक है किसी भी बिजनेस रिस्क की. ठीक है, सबसे पहला है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. मैंने पहले ही बोला था अनसर्टेनिटीज की वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है, मतलब कि कोई भी चीज़ निश्चित तो है नहीं. अगर निश्चितता आ जाएगी तो क्या रिस्क रह जाएगा, हमको पता ही है ये चीज़ होनी होनी है, तो क्या हम वो रिस्क ले रहे हैं, नहीं. आप एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है, बिना पढ़े जा रहे हो मान लो, तो आप रिस्क ले रहे हो. आपको नहीं पता कि जो आपने वो क्वेश्चन, अगर मान लो आप पढ़ने जा रहे हो एग्ज़ाम में और आपने दो क्वेश्चन नहीं, दो चैप्टर्स ही नहीं पढ़े, आप ये रिस्क लेके जाते हो कि वो चैप्टर नहीं आएंगे, लेकिन आपको नहीं पता ना कि वो चैप्टर से क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे. अगर मान लो उस चैप्टर से क्वेश्चन आ गए तो आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, वैसे चीटिंग का सहारा लोगे. तो ये आप रिस्क ले रहे हो, वो चीज़ अनसर्टेन है. वैसे बिजनेस में जितने भी रिस्क अराइज होते हैं वो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से होते हैं, क्योंकि सर्टेन अगर होगा तो वो रिस्क नहीं कहलाएगा. ठीक है, अनसर्टेनिटी रिफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट वॉट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, निश्चितता नहीं होती है कि फ्यूचर में होने क्या वाला है. हमको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारे लिए निगेटिव भी हो सकता है. जैसे कि किसी भी उसको नहीं पता था कि करोना वायरस जो है आने वाला है. अब करोना वायरस किसी को पता था, किसी प्रोड्यूसर कोरोना वायरस आएगा यहाँ पे इंडिया में, 14 दिन का लॉकडाउन होगा, नहीं पता था. उन्होंने सामान तो बनाया ना, अगर उनको पता होता कि करोना वायरस आएगा हमको नुकसान होगा, तो क्या वो लोग प्रोड्यूस करके रखते सामान को, नहीं रखते, है ना. तो अनसर्टेनिटी का मतलब ही क्या होता है, इस चीज़ की लैक ऑफ नॉलेज, इस चीज़ का कम ज्ञान होना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. फ्यूचर में क्या होने वाला है अगर हमको यही पता चल जाएगा तो हमारे लिए रिस्क कुछ भी नहीं रह जाएगा. ठीक है, नेचुरल क्लामिटीज, चेंज इन डिमांड एंड प्राइजेस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्राइजेस, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ अनसर्टेनिटी विच क्रिएट रिस्क फॉर बिजनेस. ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स है कि इन सब, ये सब चीज़ें अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है. तो ये सब अनसर्टेनिटीज़ की वजह से जो रिस्क अराइज होते हैं बिजनेस में, वो एग्जाम्पल्स देंगे. ठीक है, बिकॉज द आउटकम्स ऑफ दीज फ्यूचर इवेंट्स आर नॉट नोन. इनके आउटकम्स क्या होगा, इनका आउटकम आपको नहीं पता. पॉलिसीज गवर्नमेंट कब क्या ला दे आपको नहीं पता, भूकंप कब आ जाए, फ्लड कब आ जाए, कुछ नहीं पता है. तो ये क्या है, अनसर्टेन इवेंट्स से अराइज होने वाले रिस्क. ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा इससे रिलेटेड, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क से, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. रिस्क एक एसेंशियल पार्ट है हर बिजनेस का. अब आप कहोगे क्यों मैम, रिस्क नहीं होगा तो अच्छी बात है, हमें पता ही नहीं है, जो हमको पता है सब कुछ होने वाला है तो हम अच्छे अच्छे स्टेप लेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे केवल. नहीं, रिस्क होना भी बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है, देखो एवरी बिजनेस हैज़ सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वैरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. रिस्क होना ही होना है, आप सोचो ही मत. कोई भी आप काम करने जाओ उसमें आप रिस्क ज़रूर लेते हो. आप स्कूल जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आप उस पढ़ाई को अपने फ्यूचर में कितना यूज़ में ला पाओगे आपको नहीं पता, तो आप एक रिस्क तो ले रहे हो, है ना.
तो हर बिजनेस में रिस्क होता है। अब वो डिफरेंट बात होती है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। अगर मान लो आज हम मेडिकल स्टोर की शॉप खोल लें या फिर मेडिकल का सामान बनाने लगे, तो अब हमारे कॉम्पिटिटर तो है ही ना मार्केट में, तो ये तो होगा। कोई रिस्क मान लो कोई भी तरीके का रिस्क नहीं है, लेकिन हमारा कॉम्पिटिटर क्या करेगा इसका ज़रूर रिस्क है। कॉम्पिटिटर प्राइस ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, हमसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट ला सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए रिस्क ना हो ये तो हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन ये हो सकता है कि रिस्क किसी किसी फील्ड में ज़्यादा होता है, किसी किसी फील्ड में कम होता है, और कहीं कहीं पे लोग जो है मोनोपोली क्रिएट करके एक साथ हाथ मिला के रिस्क कम कर लेते हैं। जैसे कि सब्जी मंडियों में होता है, सबकी सब्जियों के प्राइस एक ही होते हैं, तो वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि कोई भी कस्टमर आ जाए हमको इतने में ही देना है, 2-3 रुपये कम कर दो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दूसरा वाला पार्टी कम में बेचेगा तो फिर हमें बेचना पड़ेगा, नुकसान सबको होना है, ठीक है। तो रिस्क बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं प्रिकॉशंस लेके, लेकिन रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, एलिमिनेट मतलब हटा नहीं सकते रिस्क को। थर्ड है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस का साइज कितना है और हम बना क्या रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा रिस्क कितना होगा, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस दैट इज टाइप ऑफ गुड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सॉलिड एंड साइज ऑफ बिजनेस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल। हम किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर हमारा डिपेंड करता है कि हमारा रिस्क कितना होगा, ठीक है। और साइज ऑफ बिजनेस जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क हम लेंगे, जितना छोटा बिजनेस उतना ही कम रिस्क, ठीक है। तो दीज आर द मेन फैक्टर विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस मैन डीलिंग इन फैशनेबल आइटम हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क। अगर कोई फैशनेबल आइटम, अगर कोई कपड़ा बना रहा है तो उसको ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि कपड़ों का ट्रेंड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, ठीक है। तो अगर ट्रेंड चेंज हो गया, लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, टेस्ट चेंज हो गया, तो क्या होगा, नुकसान होगा हमको, ठीक है। तो ये था कि डिग्री ऑफ रिस्क किस पे डिपेंड करता है, मेनली कि हमारा नेचर, किस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, किस तरीके की सर्विसेज को हम जनरेट कर रहे हैं। अब अगर मान लो हॉस्पिटल बना रखा है हमने, वो भी तो बिजनेस ही होता है, तो हॉस्पिटल हमारा कभी भी ज़्यादा हाई रिस्क पे नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैंडेटरी सर्विसेज है, वो कभी स्टॉप नहीं होने वाली सर्विसेज है। लेकिन अगर हम एक ई रिक्शा चला रहे हैं तो वो हमारी ऐसी सर्विसेज में आ सकता है जिसमें लोग ज़रा से पैसे कम अगर करेगा कोई अदर पार्टी तो हमको छोड़ कर दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या गुड्स बना रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस बहुत डिपेंड करता है फॉर डिसाइडिंग द डिग्री ऑफ रिस्क अपॉन अ बिजनेस, ठीक है। और कैसा बिजनेस है, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क, ठीक है। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज, इसमें एक लाइन और है, सिमिलरली लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैव अ हाई रिस्क। एज आई टोल्ड यू, लार्ज स्केल बिजनेस जो ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा उसको ज़्यादा रिस्क होगा, छोटा बिजनेस होगा उसको छोटा रिस्क होगा, क्योंकि वो छोटे। अब अगर आप मान लो जो आपके बगल में दुकान खुली है उसको कम रिस्क झेलना पड़ता होगा एज़ कम्पेयर टू अंबानी की कंपनी, जियो वाले, है ना, उनको ज़्यादा रिस्क झेलना पड़ता होगा क्योंकि ज़्यादा लार्ज स्केल में फैली हुई है और ये स्मॉल स्केल में फैली हुई है, ठीक है। नाउ कम अप टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। ऑब्वियसली जो भी रिस्क बिजनेसमैन लेता है उसको रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है, प्रॉफिट। जैसे कि आप जितनी ही पढ़ाई कर रहे हो आपको रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है, मार्क्स मिलते हैं, आपकी पोजीशंस मिलती हैं क्लास में, अवार्ड्स मिलते हैं, ट्रॉफीज मिलती हैं, वैसे बिजनेसमैन को क्या मिलता है, प्रॉफिट। नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। रिस्क नहीं लोगे तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट भी नहीं होगा, केवल आपको नॉर्मल लाइफ चलती रहेगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा गेन चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट। मान लो हमने रिस्क लिया, हम कोई नया प्रोडक्ट बिजनेस में लाए कम से कम पैसों में, अब अगर वो जनता को पसंद आ गया, जनता खरीदने लगेगी, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर जनता को पसंद नहीं आया तो जनता नहीं खरीदेगी और हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट। हर बिजनेसमैन रिस्क क्यों लेता है, इस एक्सपेक्टेशन को सोच के कि उसको बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कोई ये सोचेगा नहीं कि हमको लॉस होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रिस्क एंड द इवेंट, रिस्क इज डिपेंड अपॉन द अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। प्रॉफिट इज दस द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। तो प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। तो आज हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस रिस्क क्या होता है एंड नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स के साथ साथ नोट्स बनाते चलना, ओके।
So this much is enough for today's video. Just see the video, and if you found any query, just ask me. Okay, thank you and have a nice day.